संभल में मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में दबाकर 5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई, जबकि गर्भवती माँ सहित 7 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के गांव सलारपुर कला में मतीन पुत्र शब्बीर का मकान गिर गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा शाम के समय हुआ है। मकान गिरने की खबर गांव में फैलते ही लोग एकत्र हो गए और मकान का मालवा हटाकर उसमें दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक महिला गर्भवती है और 5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मकान के मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हुए पति पत्नी और 2 बच्चों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सक ने गर्भवती महिला का इलाज करते हुए उसे भर्ती कर लिया, जबकि अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। मूसलाधार बारिश में मकान गिरने के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। हादसे में मृतक बच्चे का नाम हसनैन 6 वर्षीय है, जबकि गंभीर रूप से घायलों के नाम मतीन, पत्नी शबाना, फैजान 12 वर्षीय एवं उस्मान 07 वर्षीय है एवं मामूली रूप से घायल बच्चों के नाम मुमीन 17 वर्षीय, नाजिया 14 वर्षीय व सानिया 10 वर्षीय है। अब्दुल कयूम ने बताया बारिश में पूरा मकान गिर गया। जिस समय ये हादसा हुआ सभी लोग एक जगह बैठे थे। इस हादसे में 5 वर्षीय हसनैन की मौत हो गई है, जबकि गर्भवती शबाना घायल हुई है। सभी लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर रामलाल यादव ने बताया कि मकान गिरने से घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल लाया गया है। गर्भवती महिला को भर्ती कर लिया गया है, अन्य सभी लोगों का इलाज जारी है। इसमें किसी की स्थिति गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज ये बारिश में जो है ना, ये सारे परिवार वाले इसके अंदर बैठे थे, ये मकान गिर गया इनके ऊपर। किसका मकान था ये? मतीन का मकान था। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें लोग घायल हुए थे 7, और जिसमें एक बच्चे की जो है ना डेथ हो गई। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है हसनैन। कितनी उम्र होगी? उसकी उम्र है लगभग 6 साल। महिला का नाम शबाना है और ये जो मतीन की पत्नी है ये गर्भवती है। हमारे हॉस्पिटल में 4 लोग लाए गए हैं, उसमें एक गर्भवती महिला है और 3 और बच्चा भी है, और गर्भवती महिला को एडमिट कर लिया गया है, बाकी का इलाज करके